धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर जो संकल्प पत्र राजेंद्र पाल गौतम जी लेके आए उस पर चर्चा के लिए समय दिया, धन्यवाद आपका। ये स्कीम अध्यक्ष जी 13 जून 2023 को एक बोर्ड मीटिंग के अंदर लेके आए थे कि एलपीएससी रिकास्टिंग बिल 2023 नामक एक मुश्त निपटानी योजना, पीछे का कितना भी बिल है वो गलत है, सही है या कुछ भी है, उसके मीटर की रीडिंग 2 महीने की जो भी मिनिमम रीडिंग है उसके तहत ये बिलों को ठीक कर दिया जाए। बहुत अच्छी स्कीम थी, लोग चोरी नहीं करना चाहते, लोग नहीं चाहते कि वो चोरी का पानी पिए, लोग ये चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ में वो रहे और उनके ऊपर ईमानदारी का ठप्पा लगा रहे। लेकिन कुछ एजेंसियां लोगों को धक्के से मजबूर कर रही हैं चोर बनने के लिए। मेरे क्षेत्र से आज मैं लोगों को लेके आया हूं जो गैलरी के अंदर बैठे हैं, जिनके बिल गलत आए हुए हैं, बिल भी कितने कितने, जहां पर 25 30 गज 50 गज या 100 गज का मकान है वहां पर 2-2 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए। और बहुत से एरिए तो ऐसे हैं जिनके अंदर अल्टरनेट डे के अंदर पानी जाता है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी जाता है और 2 घंटे के लिए पानी जाता है। मैं कहता हूं यूजीआर का पूरा प्रेशर उन कॉलोनियों में भी दे दे, तब भी 20,000 लीटर छोड़ 10,000 लीटर भी पानी पूरा कर देंगे, तब भी आपको बिल दे देंगे। जहां पर पानी नहीं जाता इतने बिल कैसे आ रहे हैं? ये एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि सरकार बनाते वक्त अरविंद केजरीवाल ने एक ही संकल्प लिया था कि मैं अपने दिल्ली की जनता को 20,000 लीटर पानी फ्री में दूंगा, और दिया भी उन्होंने, 20,000 नहीं दे सके 10,000 दिया, 10,000 नहीं दे सके 8,000 दिया, लेकिन पानी को देने का उन्होंने प्रयास किया और पानी दे के रहे। लेकिन जनता ने भी अपना भरपूर प्यार दिया, लगातार 3-3 बार सरकार बनाई, लेकिन केंद्र में बैठे हुए लोगों को यह हजम नहीं हो पाई। उनको एक ही बात होगी, केजरीवाल इनको पानी दे रहा है फ्री के अंदर, केजरीवाल इनको बिजली दे रहा है फ्री के अंदर, तो यहां पे समस्या पैदा की जाए। उसी षड्यंत्र के तहत जो एक बोर्ड मीटिंग के फैसले के बावजूद यह आज तक लागू नहीं हुआ, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस सदन के माध्यम से उन लोगों को कहना चाहता हूं जो आताताई बड़े बैठे हैं, काम करो कुछ ऐसा। नेता विपक्ष से कहूंगा जरा गौर करना, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, आपको सैल्यूट करता हूं, अपने आकाओं को जाके बता देना, काम करो कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे लौटने का इंतजार करें, ना करो अनर्थ कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करें, लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करें। ये जो लोगों के मुंह से आप पानी छीनने का काम कर रहे हैं, लोगों के बिलों के साथ में आप जो जाति कर रहे हैं, और तो और बता देता हूं मैं अध्यक्ष जी, बहुत खुले तौर पे कह रहा हूं, इस समय के अंदर ऐसी ऐसी एजेंसियां लगा रखी है नकली कॉपियां छपवाकर कि लोगों के घरों के अंदर बिलों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लोगों के घरों के अंदर 1-1 लाख रुपए का, 50,000 रुपए का, 60,000 रुपए का बिल भेज दिया और लोगों से कहते हैं 5,000 रुपए दे दे तेरा बिल निपटा देंगे। ये चोरी को बंद करवा दो, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, उन लोगों को समझा दो कि दिल्ली की जनता के साथ में ऐसा खिलवाड़ ना करें। कंक्लूड करिए महेंद्र जी प्लीज। कंक्लूड तो समय कर देगा।
चले आप तो कंक्लूड करिए। और समय करेगा इस बात में भी कोई दो राय नहीं, ये तो ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आठ होते हुए भी एक बैठे हैं, साथ साथ बाहर घूम रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं बापू के बंदरों की तरह, मतलब इसको बंदर शब्द यूज मत कर लेना, बापू के वो तीन होते थे ना, उस तरह चाहे उनको भी कान पकड़ के बिठवा दिया करो, कम से कम जनता की आवाज तो उठा ले। चलिए महेंद्र जी करिए टॉपिक पे करिए। मैं बस एक ही बात कहता हूं, जो इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, दिल्ली की जनता के साथ में जो खिलवाड़ हो रहे हैं, इन बिलों का एक मुश्त निपटान जो योजना थी ये लागू होनी चाहिए। और मैं तो इस सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को कहता हूं, आज के बाद आप बिल मत भरना। मैं बहुत ऐसी बात कह रहा हूं जो मैं आज तक नहीं कहना चाहता था, आप बिल मत भरना। यदि कोई बिल लेने के लिए या आपके कोई पानी काटने के लिए आए तो महेंद्र गोयल आपके साथ है, ये सदन आपके साथ में है, मैं आऊंगा आपके पास में। और कोई आदमी आपके यदि कनेक्शन काटने के लिए आता है तो उसको पकड़ के बिठा लेना, केस दर्ज होगा तो महेंद्र गोयल के ऊपर होगा, मैं उठूंगा उस चीज को। चलिए धन्यवाद। ये ना हो कि पूरे लोगों को सड़क के ऊपर उतरना पड़ जाए, इनकी नींद हराम करनी पड़ जाए। मैं बस यही कहता हूं, लोगों से शांति भी बनाए रखे। हो सकता है कि ये सदन के अंदर प्रस्ताव आया है, ये स्कीम आएगी, और नहीं भी आई तो लोगों को सड़क पे उतरना पड़ेगा और इनकी नींद हराम करके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।